नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस आ गई हैं और इसी बीच मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सालगिरह सेलिब्रेट की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को एक खत भी लिखा है और अपने मन की बात भी कही है। दोनों या तीनों चीज़ों को अगर हम एक सिरे से जोड़ते हैं, एक एक धागे में पिरोते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है कि मकसद एक ही है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब आप आत्मनिर्भर बनिए और आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। इसी बात को लेके आज हम चर्चा करेंगे, लॉकडाउन 5 और बाकी जो दोनों चीज़ें हैं, खत और मन की बात, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, हम आपसे बात करें, चर्चा करें कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा और जनता के नाम जो खत लिखा उसमें क्या कहा। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बात बता दूं कि जो लॉकडाउन 5 है, लॉकडाउन 5 है, उसकी 5 अहम बातें क्या हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और जोड़ूंगी कि इसको अनलॉक 1 का नाम भी दिया जा रहा है। अनलॉक 1 मीन्स धीरे कुछ चरणों में देश को खोलने की, जो अनलॉक करने की, जो इतने दिनों से लॉकडाउन पीरियड था उस पे से उसको अनलॉक करने की तैयारी हो। मतलब लॉकडाउन में ढील की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, ढील की शुरुआत की गई है। तो ये सबसे पहले तो ये बता दें कि ये लॉकडाउन 5 जो है, ये 3 चरणों में अनलॉक होने का जो एक सिस्टम है, जो एक प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ेगी। पहला 8 जून का एक टाइमलाइन सेट की गई है, जिसमें कि होटल, रेस्तरां और कुछ धार्मिक स्थल वगैरह जो हैं उनको छूट दी जाएगी 8 जून के बाद। उसके बाद दूसरा है कि दूसरे फेस में, जो दूसरा चरण चलेगा, उसमें जुलाई में स्कूल, कॉलेज और तमाम जो शैक्षिक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, इसमें राज्य सरकारों से बात करने के बाद उनको ढील दी जाएगी, उनको खुलने की तरफ एक रास्ता प्रशस्त होगा। तीसरा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और ये जो मेट्रोज वगैरह हैं सिटीज़ में चलती हैं, इनको लेके फैसला लिया जाएगा। ये भी अभी कोई डेट, संभवतः अगस्त की बात की जा रही है इसको लेके। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है, जो लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 में जो कहा गया है, वो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और इंटर स्टेट और जो इंट्रा स्टेट, जो बीच में हमें पास की जरूरत पड़ती थी जाने आने के लिए, उसको खत्म कर दिया जाएगा। वो तो 1 तारीख से, मतलब कल से। हाँ, वो 1 तारीख से उसको खत्म किया जाएगा। तो ये हमने मोटे तौर पे जो लॉकडाउन 5 की 5 अहम बातें हैं वो हमने समझी और बूझने की कोशिश की। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात की है, देश को एक खत लिखा है, उसमें बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं हमेशा की तरह। तो अगर उसको हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने पहले कहा, क्या वो यही कहता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी? हाँ, सब कुछ आपके ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी या कुछ नहीं है। कुल मिला के लॉकडाउन की जो बात करेंगे आप, तो लॉकडाउन में ढील देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जब केसेज हमारे पास कम थे तो उस समय कंप्लीट लॉकडाउन था। लोग कह भी रहे हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है और मीम्स चल रहे हैं, काफी कुछ ऐसे। और जब मतलब 8,000 क्रॉस कर गया पर डे, 8,000 पर डे केसेज आ रहे हैं, 265 मौत पर, मतलब कल के आंकड़े हैं, तो अब लॉकडाउन मतलब अनलॉक किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, सरकार का फैसला किस रूप, किस हिसाब में सोच रही है, जो मतलब हमें लगता है कि ये उल्टा हो गया। लेकिन इसमें एक ये भी तो बात है कि इकोनॉमी का जो पहिया है उसको भी तो चलाना है। नहीं, बिल्कुल चलाना है, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इस मतलब की जो सोच है ना वो उल्टी हो गई। आपको शुरू में लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, मतलब जो अनलॉक लॉकडाउन 5 है वो लॉकडाउन 1 होना चाहिए था, कि सब चीजें खुली रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो और तमाम चीजें शर्तों के साथ। और वो धीरे 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 आज की डेट में जब 8,000 केसेज पर डे आ रहे हैं, तो फिर उसको जो है कंप्लीट लॉकडाउन आज की डेट में होना चाहिए था। तो वो मुझे लगता है एक तो लॉकडाउन का उल्टा हो गया है और वो खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। अब आइए कि आज मोदी जी ने, पीएम मोदी ने मन की बात की है, आज आखिरी संडे था और मई महीने का। तो
तो आज उन्होंने उसमें जो अहम बात है वो बात यह है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के पलायन की दर्द की बात की है कि मुझे दर्द है। और उनका कहना है कि हमारे गांव जिले और राज्य, हमारे गांव जिले और राज्य आत्मनिर्भर होते तो आज ये जो स्थितियां हमें देखने को मिल रही है वो स्थितियां नहीं देखते हैं। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। अच्छा, अब कहने का मतलब है कि गांव जिले और राज्य आप 6 साल से कहाँ थे? कि कहाँ थे? सवाल तो यही उठता है कि 6 साल से आप, तो आपका आप गांव किस हालत में था आपको पता था? जब मनमोहन की सरकार थी तब आप खूब कैंपेन चुनाव के समय खूब घूम घूम के चीजों को आप देखा तो था। जमीनी स्तर के हाँ, सारी चीजों से वाकिफ हैं। तो गांव और जिले और राज्य किस हाल में तब थे और 6 साल में भी वही स्थिति है क्या? तभी तो मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो पाए ना 6 साल में। बिल्कुल 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 अगर वो आधा भी आप सुधार देते तो शायद आज आपको ये कहना नहीं पड़ता। ये मजबूरी है शायद हाँ पीएम की ये कहने की कि हम आत्मनिर्भर नहीं है और हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर गांव जिलों की बात कर रहे हैं तो कई जगह तो सरकार भी उनकी भी, अगर हाँ राज्य हाँ सरकार बिल्कुल की बात करें हम सवाल सरकार में बांटने की नहीं है कि उनकी सरकार की हमारी सरकार, कोरोना ऐसा संकट है कि ये वो सबके सबको लिए एक है साथ लिए, इसमें बराबर। कहीं कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूर ऐसे लोग हैं कि वो महाराष्ट्र के बिहार में पैदा होते किसी हैं, के नहीं है, वो सबके हैं। पैदा होते हैं बिहार में, काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, काम कर रहे हैं पंजाब के लिए, काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, तो वो उनको तो राष्ट्रीय संपदा घोषित करिए आप। हाँ, सबसे जैसे पहली पहले बात तो पहले पहले भी भी हम हम लोगों ने लोग चर्चा की है, चर्चा की। तो ये सबसे पहला काम था कि राष्ट्रीय संपदा घोषित करके, राष्ट्रीय संसाधन घोषित करके उनको, और जहां है वो उनकी संपत्ति है वहीं पर उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती ताकि ये समस्या आती ही उनको नहीं आज। पलायन की जरूरत ही नहीं हाँ थी, उनको वहां से छोड़ के उस जगह अब पर जाने की हम जरूरत। ये पहली बात होगी बिल्कुल कि ये आत्मनिर्भर नहीं हो पाए गांव जिले और आज, और जिस वजह से आवाज आपको तो 6 साल से आप जो काम कर रहे थे वो पूरा का पूरा नदी मिट्टी में खोल मिल रहे गया। हैं। अगर आपने कुछ किया भी है तो वो मिट्टी में मिल गया। दूसरी बात आती है वो जो कल 1 साल दूसरे कार्यकाल का, इस सरकार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। 30 मई को उन्होंने शपथ ली थी। तो अब उसमें उन्होंने एक पत्र लिखा है देश के नाम, हाँ, और खत उसमें लिखा तमाम उपलब्धियां आपने गिनाई हैं, और उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने जो जो प्रमुख बातें जो बताई हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं ठीक है उसमें आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद, मतलब कोरोना संकट में आपका आशीर्वाद तो तब चाहिए था जब चुनाव जीतने गए थे, तब आपने जनता को, जनता ने आशीर्वाद दिया आपको। अब जनता को चाहिए, अब तो आप जनता की तरफ हाथ ऐसे आपका करिए। आशीर्वाद जनता को चाहिए, आपकी मुट्ठी बिल्कुल खोल के आप जनता को दीजिए, जनता को आज जरूरत है। तो ये आशीर्वाद अभी भी मांग रहे हैं, इसका मतलब कि हम नहीं आपको कुछ करने जा रहे हैं, आपका अभी भी हमें सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब यही है कि आप अपना काम करेंगे तो हमारी सरकार चलती रहेगी ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और दुनिया में वाहवाही जो होगी। हम बात कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हाँ नहीं होनी चाहिए, हाँ शायद इसके पीछे जो एक मंशा और ना चाहते हुए भी वो जाहिर करने की कोशिश हाँ हो रही है। तो वही कह रहा हूँ कि मतलब उनको अभी भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपना काम, मतलब आप अपना अपनी सुरक्षा खुद देखिए कोरोना से, आपको जीवन कैसे चलाना है वो भी आप खुद देखिए, और मतलब कुल मिला के आप भुलावे में ना रहिए कि हाँ सरकार आपके लिए बिल्कुल, कुछ कर ताकि रही है, आपके दुनिया लिए में कुछ मैसेज जाए कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, देखिए उस देश में कोरोना एकदम सफल रहा, कोरोना का कोई प्रकोप ज्यादा नहीं हुआ। दूसरी बात जो उन्होंने की है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मंत्र है सरकार का वो अभी भी रख रहे हैं। अब किसी का सबका साथ महाराष्ट्र बिहार के साथ है क्या? महाराष्ट्र दिल्ली के साथ है क्या? महाराष्ट्र के मजदूर बिहार के मजदूर, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं मजदूर बिहार के मजदूर हैं, अब उनको खाना पीना वहां नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो अब वो कह रहे हैं हमें अपने घर जाना चाहिए। अब उनको ट्रेनें मुहैया नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो बहुत देरी से हो रही हैं। ट्रेन जब चल रही है तो 90 घंटा में पहुंच रही है, तो मजदूर मर जा रहे हैं। आज की खबर है कि 80 मजदूर अब तक इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मर चुके हैं। बहुत दर्दनाक है। तो काहे का सबकी किसका साथ, सबका साथ कैसे हो सकता है? सबका विश्वास कैसे हुआ? आपकी जिम्मेदारी थी, ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इतना कि भाई इतने लोग हमारे पास हैं जो जाना चाहते हैं, तो ठीक है आप वहां से लिस्ट आई आपने ट्रेन लगा दिया।
ट्रेन में भर के और जब पहुंचाने जा रहे हैं तो उनका खाना पीना तमाम चीजों की जिम्मेदारी आप जिस स्टेशन से उठाए हैं और जिस स्टेशन तक जाना है तो वहां तक की जिम्मेदारी तो केंद्र लेगी ना, लेकिन उनको ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, वो मर जा रहे हैं ट्रेन में, तो ये कैसा विश्वास है? और एक है सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका हाँ, तो ये सबका विकास की बात करते हैं हम। विकास किसका हुआ? विकास अगर मजदूरों का होता, या हम मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं कि आने वाले दो तीन महीनों में मिडिल क्लास की भी हालत बहुत खराब होने, तो जब उस वर्ग का भी विकास नहीं हो पाया, मजदूरों का देख ही रहे हैं हम, तो विकास किसका किया? महाराष्ट्र में अगर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं या दिल्ली में जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें मजदूर काम करते थे, वो अगर दो महीने तक इन मजदूरों को खाना नहीं खिला पाई तो उन फैक्ट्रियों का भी विकास नहीं हो पाया ना, इसका मतलब नहीं कर पाया। सीधा मतलब ये, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कंप्लीट फेल है, कंप्लीट फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बात कही है कि देश में कई चुनौतियां हैं, मुझमें कमी हो सकती है, ठीक है, उन्होंने कहा मुझमें कमी हो सकती है लेकिन देश में कोई कमी नहीं। अच्छा, ठीक है, कमी नहीं हो सकती है, और इसलिए मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, मतलब आप मतलब देश के लोग, मतलब वो कहना ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, ये आप जान रहे हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, मतलब वो सीधे तौर पर नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी बातों से, अपनी बातों को रखने का तरीका बहुत, हाँ अपनी बातों को रखने का तरीका बहुत मतलब ऐसी मतलब कनेक्टिंग होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब मेरा जो है स्वयं से ज्यादा आप पर विश्वास है और आपकी शक्ति जो है आपके सामर्थ्य पर है, तो वही जो हम लगातार कह रहे हैं तुम्हारे हवाले बदल, तो सवाल अब सवाल ये उठता है, ठीक है, कि आर्टिकल 370 आपने क्यों लाया, उससे देश का क्या भला हुआ, नोटबंदी आप जो लाए उससे देश का कितना भला हुआ, ठीक है, आपने जो राम टेम्पल का जो फैसला आया उसके बाद कमेटी उमेटी बनाई और राम मंदिर बनाने की जो तैयारी हो रही है उससे क्या देश का भला हुआ, ट्रिपल तलाक आया उससे क्या भला हुआ देश का, नागरिकता संशोधन कानून आया उससे देश का क्या भला हुआ, उन मजदूरों का कितना भला हुआ, मजदूर तो मजदूर हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, सब मजदूर हैं उसमें, तो किसी का ये जो एजेंडे आपने 6 साल में चलाए और 6 साल में ये सारी चीजें करके आपने जो लोकप्रियता का जो ग्राफ अपने ऊपर बढ़ाया, तो कहने का मतलब वो पूरा का पूरा एजेंडा एंड में तो आपने खुद ही उसको ध्वस्त कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सब आपको करना है, तो ये आपके पास सारी शक्ति। उसके बाद मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूँ कि ये जनता कर्फ्यू और ताली थाली बजी और एक जो है क्या नाम है दिया जला, ये ठीक उसी तरह की ये बात है जो आप अनलॉक कर रहे हैं, अब लॉकडाउन 5 है, वो लॉकडाउन 1 होना चाहिए था, तो अब इसमें ताली थाली बजवाने का जो मसला था या हौसला अफजाई करनी थी डॉक्टरों की और पुलिसकर्मियों की या पत्रकारों की, वो सब आज की डेट में जरूरत है, वो पीड़ित हो रहे हैं। अब एम्स से खबर है कि मतलब 200 करीब हेल्थ वर्कर वहां पर कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं एम्स जैसे अस्पताल में, तो जरूरत आज उनको प्रोत्साहन की है, आपने बजवा दिया उस समय, तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं तो क्या करें आप बजवाएं? नहीं, अब तो कोई मतलब रह नहीं गया ना, अब तो सारी चीजें आप करके थक हो गए, अब तो आप सामने भी नहीं आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और पूरी मतलब अब खुद आपको अपना ख्याल रखना है, जो लॉकडाउन 5 जो आया भी है, अनलॉक 1 जैसे कह रहे हैं, तो उसमें भी यही कहानी है कि आप अपनी सुरक्षा खुद तय करिए, आत्मनिर्भर बनिए, हाँ ऑफिस जो खुलेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पर खोलें, उसको कैसे डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, वो ऑफिस खुद ही करेगा, हम इतना ही करेंगे कि जो हमारे अस्पताल जिस हालात में है, ठीक है, तो वो वहां पर भले डेड बॉडी की लाइन लगी हुई हो या कोरोना पॉजिटिव की बेड सजे पड़े हो, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाइए और हाँ मतलब आप बीमार होंगे तो आप आइए और आपको हम वहाँ पर एक बेड कहीं किसी तरह से व्यवस्था करा के हम वहाँ पर लिटा देंगे, बस बाकी उसके बाद की जिम्मेदारी हाँ। आप क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास शक्ति है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी आप पे बनती है। कुल मिलाकर बात एक ही समझ में आती है कि 1 साल पूरा हुआ, उपलब्धियां गिनाई सरकार ने, सरकार की जो भी अलग अलग तरह से उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश की अपने खत के जरिए,
और उसका एक ही निचोड़ निकला कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सामर्थ्यवान बनिए। अब हमारी जो देश को जो सरकार चला रही है उसका पूरा विश्वास उसकी जनता पर है। आप इसको किस तरह से लेते हैं इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार।